जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC पार्ट 6 में आज मैं आप लोगों को वांटहाफ और लीवेल के सिद्धांत और प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसके अणु की संरचना सबसे पहले प्राप्त हुई उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए वांटहाफ और लीवेल के सिद्धांत देखते हैं। सन 1874 ईस्वी में वांटहाफ व लीवेल ने अपने सिद्धांत में बताया कि फर्स्ट कार्बन तत्व का परमाणु सम चतुष्फलक समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है। कार्बन तत्व का परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है तथा कार्बन तत्व की चारों संयोजकताएं सम चतुष्फलक के चारों शीर्षों की ओर इंगित होती हैं। पहला पॉइंट इनका था कार्बन तत्व का परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है तथा कार्बन तत्व की चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के चारों शीर्षों की ओर इंगित होती हैं। सेकेंड पॉइंट कार्बन तत्व के दो संयोजकताओं के मध्य कार्बन तत्व के दो संयोजकताओं के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का आबंध कोर बनता है। आबंध कोर कितना बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का आबंध कोर बनता है। थर्ड पॉइंट कार्बन तत्व की
संयोजकताएं समान होती हैं। कार्बन तत्व की चारों संयोजकताएं समान होती हैं। अपने सिद्धांत में ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स वांटहॉप और ली वेल ने दिए थे। इस सिद्धांत से स्पष्ट हो गया कि कार्बन तत्व की चारों संयोजकताएं एक ही तल में नहीं होती है, नहीं होती हैं। इस सिद्धांत से स्पष्ट हो गया कि कार्बन तत्व की चारों संयोजकताएं एक ही तल में नहीं होती है। समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होती है, इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4, यानी जो संयोजकता होती है कार्बन तत्व की वो कितनी आती है, 4 आती है। तो कार्बन तत्व की जो संयोजकता है वो 4 है। इस आधार पे वांटहॉप और ली वेल ने अपने सिद्धांत में यह बताने की कोशिश किया कि जो कार्बन तत्व का परमाणु है वह समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है तथा कार्बन तत्व की चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के चारों शीर्षों की ओर इंगित होती हैं। यानी जो संरचना है वो समचतुष्फलक होता है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलक, टेट्राहेड्रल चतुष्फलक, हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुष्फलक। सम का मतलब कि जो C है इधर का आबंध और A आबंध, सेकेंड संयोजकता का जो आबंध A आबंध, ये चारों जो होते हैं समान होते हैं। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये कार्बन के पीछे है, कार्बन के जो है पीछे बना हुआ है, तो इस तरह से इंडिकेट होगा। ये 3D में होता है और 2D में हम इसको बना नहीं सकते, बस ये बनाने की कोशिश की गई है। तो इस इसको बोलते हैं समचतुष्फलक। कार्बन जो है समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है और जो चारों संयोजकताएं हैं वो शीर्षों की ओर, ये इसका शीर्ष है, किधर इंडिकेट हो रही हैं, चारों शीर्षों की ओर इंगित होती हैं। और जो इनका जो आबंध कोण है दो संयोजकता के मध्य वो 109°28' का होता है। इस प्रकार इसको बनाया जाएगा, ए है सिचुएशन, ए है इस प्रकार का सिचुएशन होता है। समचतुष्फलक ध्यान से देख लीजिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसके
अणु की संरचना सबसे पहले प्राप्त हुई। ये सब छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। प्रथम कार्बनिक कार्बनिक यौगिक जिसके अणु की संरचना सबसे पहले प्राप्त हुई, तो मेथेन अणु CH4 प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसकी अणु की संरचना सबसे पहले प्राप्त हुई किसके द्वारा? वांट हाफ व ली बेल के द्वारा। कार्बन एटॉमी नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 संयोजकता 4 हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही संयोजकता 1। संरचना कैसी होती है चतुष्फलकीय? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो इसके अवबंध हैं, सभी अवबंध जो हैं सेम होते हैं सी, सभी अवबंध जो हैं इसके सेम होते हैं। यह अवबंध जो है कार्बन के पीछे होता है और इसकी जो संरचना है वो 3D होती है, 3-beamy चतुष्फल की संरचना इस प्रकार ये दर्शाया जाता है। और जो आबंध कोण है इनके बीच का चाहे इस साइड का लें 109 डिग्री 28 मिनट, चाहे इस साइड का लें 109 डिग्री 28 मिनट। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसकी अणु की संरचना सबसे पहले प्राप्त हुई वो कौन सा अणु है? मेथेन अणु है। किसने संरचना बताई? वांट हाफ और ली बेल ने बताई। और संरचना कैसे होती है? चतुष्फलकी होती है।
टेट्राहेड्रल शेप का होता है, और इस प्रकार संरचना प्राप्त हुई। तो इसे ध्यान से देख लीजिए, यह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आज छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।